हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व विजन आई एस टेस्ट सीरीज दिस इज आवर टेस्ट नंबर 18 ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप टू द टेस्ट नंबर 17 राइट तो इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट right, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कर रहा है विथ रेफरेंस टू द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया राइट रिगार्डिंग बी एस आई बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट तो ये आपका क्या है कि मिस जो आपका बी एस आई यानी कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्या है आपका एक एपक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कि इसका आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट राइट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का आपका जो है अपेक्स क्या है आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है कोलकाता में है राइट right? कोलकाता में आपका जो है इसका हेडक्वाटर देखने को मिलता है तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट आपका करा कि इट डज एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पेसीज इन बोटेनिकल गार्डन्स राइट थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज की मीन्स जो आपका अपेक्स uh, ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का आपका कौन सा बी एस आई यानी कि बोटेनिकल सर्वे आप, आपका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया राइट की मीन्स ये क्या करता है आपका कि जो भी थ्रेटेंड स्पेसीज होते हैं थ्रेटेंड स्पेसीज आपके जो भी होते हैं उसको क्या करता है ये आपका एक्स सी टू एक सी टू कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है राइट एक सी टू कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में हमने बताया था कि एक सी टू कंजर्वेशन क्या होता है कि उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर हटाकर राइट मान लीजिए ये कोई आपका टाइगर है राइट टाइगर तो इसका आपका नेचुरल हैबिटेट क्या होगा फॉरेस्ट होगा इसका नेचुरल हैबिटेट राइट लेकिन इससे दूर हटाकर बोटेनिकल गार्डन में अगर इसको सर्वाइव किया जा रहा है ड्यू टू फार दर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए कि मीस इसका जो नंबर ऑफ स्पेशज है वो कम हो रहा है तो उसके लिए एक सी टू प्रोसेस के द्वारा कंजर्वेशन किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक सी टू कंजर्वेशन बोलते हैं राइट तो देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट सर करेक्ट राइट इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट सर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एज मेंटेनेड बाय यूनेस्को राइट मीस यूनेस्को के द्वारा आपका पूछ रहा है कि मीन इसमें से कौन कौन सा आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है यूनेस्को यूनेस्को का राइट तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमने जो एक कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था और टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डाला हुआ हूँ राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है चारों स्टेटमेंट इसे करेक्ट दिया गया है, कि चारों स्टेटमेंट को जो है क्या कर दिया गया है कि यूनेस्को के द्वारा कंसिडर किया गया नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंसिडर किया गया एड थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग डीप में समझ लेते हैं राइट थोड़ा सा इसके बारे में डीप में समझते हैं कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो कब जो है आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसीडर किया गया था और किस स्टेट में आपका लाई करता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं राइट तो देखिए फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट दिया गया काजीरंगा नेशनल पार्क राइट तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में हम लोग समझते हैं राइट काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर लोकेटेड है यहाँ पर आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम आता है राइट असम तो असम में लोकेटेड है आपका कौन सा काजीरंगा नेशनल पार्क राइट और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब कंसिडर किया गया था आपका नाइनटीन में कंसिडर किया गया था सेकेंड वन इज द आपका केवल डिओ नेशनल पार्क केलाडियो नेशनल पार्क आपका कहां पर है राजस्थान में लोकेटेड है राइट और ये आपका कब कंसीडर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में इसको भी आपका जो है कंसिडर किया गया था थर्ड वन इज द सुंदरबन नेशनल पार्क राइट सुंदरबन नेशनल पार्क सबको पता होगा कहां पर है यह आपका वेस्ट बंगाल में आपका पाया जाता है सुंदरबन नेशनल पार्क राइट इसको जो है कब कंसिडर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाइनटीन में आपका जो है कंसिडर किया गया था वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये तो सबको पता होगा उत्तराखंड में आपका लोकेटेड है तो राइट आंसर कौन सा आपका सी इज द राइट आंसर वन टू थ्री एंड फोर आल द

ऑल्सो करेक्ट मिस से इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है टोटली इट्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक राइट कि मीन्स आपका जो है किस पर बेसिस है आपका कि मींस टेक्निकल बेसिस पर आपका इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर ये आपका टोटल यानी कि डिजिटल बेसिस पर आपका जो है ये प्रेजेंट है सेकेंड वन इज द एन इलेक्ट्रॉनिक ई यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई एन डब्ल्यू आर राइट की मीन्स आपका जो नेगोसिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिक हैज ए टाइम वैलिडिटी दैट इज को टर्मिनस विद द सेल्फ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी आवर विथ ड्रॉल द कम्युनिटी फुल्ली फ्राम द वेयर हाउस राइट सेकंड स्टेटमेंट इजात हो करे स्किन मींस आपको क्या होता है कि जो भी आपको क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फार्म में जो आपका इशू किया जाता है राइट right? इसका क्या होता है कि एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम होता है राइट right? लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है उसी के दौरान ही आप इसको क्या कर सकते हैं नगोसिएट कर सकते हैं right? राइट इसको इशू कर सकते हैं या फिर इसको जो है आप सेलैंड परचेज कर सकते हैं राइट सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट होते हैं वंस इन ट्रांजेक्शन सच ए प्लेज और ट्रांसफर कैन नॉट बी सामंटेनियसली यूज फॉर एनी अदर पर्पज राइट थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट क्यों करेक्ट है इसके बारे में लोग समझते हैं जैसे देखिए

देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर देख सकते हैं राइट ये आपको कह रहा है एज इफेक्ट के बारे में राइट एक जी एज के इफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं राइट तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में इकोटोन पढ़ा होगा राइट इकोटोन इकोटोन क्या होता होगा बहुत से लोगों को पता भी होगा कि मीस जहाँ पर आपका क्या होता है कि टू डिफरेंट राइट right? टू डिफरेंट कैरेक्टर्स के मीट होते हैं लाइक like दैट आपका टेरेस्टियल हो गया या फिर आपका जो ओशियनिक बॉडी राइट right? जहाँ पर आपका मीट करते हैं मिलते हैं राइट right? उसके ट्रांजिशन जोन को हम लोग क्या बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं राइट इकोटोन बोलते हैं तो यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है कि एज इफेक्ट देखने को मिलता है right? राइट एज इफेक्ट इन द सेंस कि नंबर ऑफ स्पेशी इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं क्यों पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक ट्रांजिशन जोन आपका प्रोवाइड करता है right? राइट तो इसका राइट आंसर कौन सा आपका बी इज द राइट आंसर इट इज द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड स्पेश कंपोजिशन इन इकोटोन्स राइट तो इकोटोन्स में जैसे कि मैंने बताया कि मीन ये आपका क्या होता है दो दो डिफरेंट आपका क्या होता है कि कैरेक्टर्स का मीटअप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं लाइक दैट आपका टेरेस्ट्रियल एंड आपका उस यानी कि आपका एक क्या हो जाता है इकोटोन हो जाता है कोस्टल एरिया जो भी होते हैं राइट तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फाइव राइट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपका यानी कि किस एस ए आई के बारे में आपको पूछ रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है राइट इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि गिवज फूड एनिमल टैक्स टू द एनिमल्स राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मिस जैसे कि आप क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं उस उसमें क्या होता है कि ये आपका एफ एस 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 ए आई की यानी का फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मार्का लगा होता है ठीक उसी प्रकार से आप जो भी आप मीट वगैरह परचेज करेंगे राइट वो अगर ऑथोराइज है कि उसको आप क्या कर सकते हैं ईट कर सकते हैं राइट तो उस पर क्या होगा आपका कि इस पर भी जो है आपका एफ एस एस आई यानी कि इसका मार्कर लगा होगा तो सही है सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि एफ एस एस आई जी स्टेचुरी बॉडी एंड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्यों रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यह है आपका एक स्टेचुरी बॉडी है राइट लेकिन कब स्टेब्लिश किया गया था आपका 2006 में आपका जो है इस्टेब्लिश किया गया था राइट और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये ये आपका मिनिस्ट्री के अंदर नहीं बल्कि एक एक्ट के द्वारा जो है आपका इस्टेब्लिश किया गया था बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट राइट फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एंड स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स एक्ट एक्ट 2006 थाउजेंड सिक्स राइट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के द्वारा ये आपका फॉर्म किया गया था तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है थर्ड आपका कर रहा है द मिथुन एंड इंडियन बाइसोन फ्रॉम महाराष्ट्र गॉड द फूड एनिमल टैग रिसेंटली राइट थर्ड स्टेटमेंट भी ऑल्सो रॉन्ग है आपका क्यों रॉन्ग है क्योंकि देखिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका नदर्न इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट नदन इंडिया में आपका जो ये मिथुन देखने को मिलता है राइट यह आपका नदरन इंडिया में आपका जो है और सदर में आपका बांग्लादेश में देखने को मिलता है राइट म्यांमार वगैरह में देखने को मिलता है राइट तो ये आपका कहाँ का है काउंट कैटल uh, है कहाँ का आपका माउंटेन का राइट कैटल है कहाँ का आपका माउंटेन का ना कि महाराष्ट्र का तो थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स राइट एक साइड आपका दिया गया है एलिफेंट रिजर्व और एक साइड आपका दिया गया है स्टेट राइट right? तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में लाई करता है इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं राइट तो देख सकते हैं एलिफेंट रिजर्व के बारे में आपका पूछा है और एलिफेंट रिजर्व से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो लेमरू जो आपका एलिफेंट रिजर्व है आपका छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है राइट तो फर्स्ट स्टेट में तो आपका सही है कि मिस छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है आपका लोम लेमरू राइट लेकिन जो आपका चिरांग रिपू है ये कहाँ पर पाया जाता है आपका असम में पाया जाता है असम में पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न में आपका असम में पाया जाता है ना कि आपका जो है मेघालय में तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं सेकेंड आपका रॉन्ग हो जाता है थर्ड आपका कह रहा है कि सिंगपन सिंगपन आपका कहाँ पर पाया जाता है ये आपका नागालैंड में पाया जाता है नागालैंड में ना कि आपका जो है कहाँ पर झारखंड तो देख सकते हैं थर्ड भी आपका आप है तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट ओनली तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है इज द राइट आंसर ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द पिंक ब्लूम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ देंट्स गिवन एव आर करेक्ट राइट पिंक ब्लूम के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन को हम लोग थोड़ा सा में समझते हैं, होता क्या? Right, तो आपका पिंक ब्लूम क्या होता है आप लोग मैप के बारे में एक आपका वेटलैंड साइड पाया जाता है कौन सा आपका कोल वेटलैंड राइट right? कोल वेटलैंड के नाम से जाना जाता है राइट right? कोल वेटलैंड और ये क्या है आपका बहुत ही जापा आपका क्या है कि हाई रिच है आपका किसमें रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाया जाता है राइट रिच बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है किसमें आपका कोल cool वेटलैंड में राइट right? तो इसी में आपका एक इन्वेजिव स्पेसीज आपका जो है रिसेंटली देखने को मिल रहा है जिसके वारण कारण से आपको क्या हो रहा है कि जो ये आपका रिच आपका क्या था हाई आपका बायोडाइवर्सिटी था राइट right? वो आपका धीरे धीरे डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है राइट right? और क्यों देखने को मिला है ड्यू टू एन इन्वेजिव स्पेसीज राइट की मीन्स एक नया इन्वेजिव स्पेसीज इसमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जो है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहा है राइट right? तो ये कौन सा आपका जो है ये आपका स्पेसीज इस है इसको हम लोग समझते हैं राइट इसका नाम है आपका कौन सा कबोम्बा फोरूकटा राइट यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट कमोम्बा राइट कमोबा कैबोमा सॉरी कैबोमा कैबोमा यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं कैबोमा फुरकूटा राइट फुरकूटा कैबोमा फुरकूटा और इसी को ही आपका दूसरे नाम से जाना जाता है कौन सा पिंक ब्लूम राइट पिंक ब्लूम के नाम से भी ये आपका जाना जाता है राइट तो इसीलिए जो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट इज एन इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पेसीज फ्राम इंडोनेशिया फर्स्ट तो आपको रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने बताया ये कहाँ का इन्वेजिव है आपका केरला का है केरला का राइट तो आपको याद रखना है सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट इज पोजिंग सीरियस बायोडाइवर्सिटी थ्रेड्स फार कोल वेटलैंड्स इन केरला एन इम्पोर्टेंट रामसर साइट राइट तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है कि मींस हमने बताया कि मीन्स ये आपका क्या है कि केरला का बहुत केरला में बहुत ज़्यादा ये आपका जो कोल वेटलैंड है यहाँ पर क्या पाया जाता है आपका हाई यानी कि रिच आपका कई बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है लेकिन ये इनवेजिव स्पेसीज जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है कौन सा आपका पिंक ब्लूम इसके वजह से आपको क्या हो रहा है कि डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है राइट तो सही है थर्ड स्टेट में आपको कह रहा है कि इट वॉज ब्रॉड इन इंडिया एज एन एक्वेरियम प्लांट एंड स्केप टू द वाइल्ड राइट तो राइट तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्यों रॉन्ग हो जाता है क्योंकि देखिए ये आपका कहाँ पर ये आपका ओरिजिन किया है केरला में ही आपका जो है ओरिजिन किया तो केरला के ही एक्वेरियम में रखा गया है और यहीं से ये आपको क्या कर दिया जा रहा है कि मीन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है आपका स्केप किया जा रहा है राइट right? तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका कौन सा है कि राइट तो थर्ड स्टेटमेंट अब भी आपका सही हो जाता है क्योंकि ये आप कहाँ पर देख सकते हैं कि इट वाज ब्राट इन इंडिया एज एन एक्वेरियम प्लांट एंड स्केप टू the वाइल्ड राइट right? सही है कि मीस इंडिया के ही एक्वेरियम केरला यानी कि इंडिया में ही करता है ना तो आपका इंडिया का ही एक्वेरियम हो गया राइट तो यहीं पर आपका किया यहाँ पर जो है आपका एक्वेरियम रखा गया है और यहीं से आपका क्या किया जा रहा है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको क्या किया जा रहा है स्केप किया जा रहा है तो दो स्टेटमेंट आपको तो करेट देखने को मिले सेकेंड एंड थर्ड तो देख सकते हैं राइट आंसर कौन सा होगा आपका बी इज द राइट आंसर ओनली टू स्टेटमेंट सर, सर, सर करेक्ट देन ऑफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कह रहा है कि नेचर 2030 थाउजेंड थर्टी एन इन एक्शन की टू नेचर 2030 एक आपका प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है किससे रिलेटेड है इसी के बारे में आपको पूछ रहा है तो ये क्या है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए आपका जो है देखने को मिल रहा है नेचर टू टू थाउजेंड थर्टी राइट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स हैव जुरिडिक्शन ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 राइट right? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि मिस कौन कौन से जो है आपका जुरिडिक्शन आते है आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन में राइट right, तो देखिए जो भी आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए राइट right, तो इसमें आपका जो है आर्टिकल याद हो आना चाहिए कौन सा आर्टिकल आपको याद आना चाहिए फोर्टी एट ए राइट फोर्टी एट ए आपका आर्टिकल जो है वो क्या कहता है आपका कि स्टेट सेल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड एंड टू सेफकार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंट्री राइट जो आपका फोर्टी एट ए है आपका ये क्या करता है कि मीस स्टेट को ऑथोराइज करता है कि मीनस उनको प्रयास करना चाहिए कि जो भी आपके वाइल्ड लाइफ है या फिर जो भी आपका एन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना किसका जिम्मेदारी है स्टेट की जिम्मेदारी बनता है राइट right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि रिजर्व फॉरस्ट और सेकेंड आपका कर रहा है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइट right? दोनों ही आपके जो है जोरिस्डिक्शन में आते हैं किसके आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में राइट right? लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट आपका कर रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट आपका कर रहा है किसके बारे में विलेज और नगर पालिका फॉरेस्ट

डिस्टिंग्यूसिंग फीचर्स ऑफ ए पॉपुलेशन इन इकोलॉजिंग राइट की मीन जो है आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको देखने को मिलता है right? एट इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यानी कि डिस्टिंग्यूस कहते हैं सही है एड right? फर्स्ट आपका कह रहा है कि शेरिंग सिमिलर रिसोर्सेज सही है सेकेंड आप कह रहे हैं कि कंपेटिटिंग फॉर सिमिलर रिसोर्सेज थर्ड आपको इंटरब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, राइट स्टेट है, तो right right है, है इस स्टेटमेंट को आपको रीड आउट करना है उसके बाद कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करना है कि कौन सा जो है ये किसके बारे में आपका बात कर रहा है राइट right, तो क्वेश्चन नंबर इलेवन यहां पर देख सकते हैं कह रहा है आपका दिस एक्वेटिक इकोसिस्टम इज कैरेक्ट्राइड बाई इट्स लो सॉल्ट कंटेंट एंड ई जो ऑप्शन फाउंड इन पॉन्ड्स राइट तो देख सकते हैं यही से आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं कि मीनस जो है आपका देख सकते हैं कि लेस वाटर कंटेंट है यानी कि वाटर कंटेंट लेस आपका कहां पर पाया जाता है फ्रेश वाटर इको में ही पाया जाएगा राइट फ्रेश वाटर इको में ही पाया जाएगा यही आपका पॉन्ड्स होते हैं लेक्स होते हैं बॉक्स होते हैं जहां पर आपको क्या होता है कि जो आपके रिवर्स होते हैं वो ड्रेन करते हैं ड्यू टू दैट सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो लेस हो जाता है तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका फ्रेश वाटर इको के बारे में बात कर रहा है नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि द टू

जो आपका रिपोर्ट टाइटल रिलीज किया जाता है जिसका टाइटल है आपका फेजिंग डाउन और फेजिंग अप राइट तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है फर्स्ट स्टेपमेंट आपका कह रहा है द रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्यों रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये आपका किसके द्वारा रिलीज किया जाता है यू राइट यू इन द सेंस की मीन आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम राइट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये आपका रिलीज किया जाता है सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द रिपोर्ट ट्रैक्स द discretionary between government's planned fossil fuels production and global production. लेवल कंसिस्टेंट विद लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस टू टू डिग्री सेल्सियस राइट तो सेकंड स्टेडमेंट आपका करेक्ट है कि मीनस इसको क्या करना है कि इसी को ही हमको क्या करना है लिमिट करना है कि टू डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है आपका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होना चाहिए अगर जो है आपका इंक्रीज हुआ तो ऑलरेडी हमने जो है कई लेक्चर्स में बताया है कि मीनस अगर ये आपका रेज होता है टू डिग्री सेल्सियस से आपका जो है रेज होता है तो जो भी आपके ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो आपके क्या हो जाएंगे मेल्ड कर जाएंगे जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा सबडक्ट हो जाएंगे बहुत से जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं राइट आइलैंड वगैरह तो डूब ही जाएंगे कॉन्टिनेंट्स भी आपके डूबने का खतरा है राइट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहाँ पर देख सकते हैं आपका कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेटो पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी राइट तो मेटो पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट जो आपका इकोलॉजी में टर्म देखने को मिलता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो so, सी इसका राइट आंसर है कि पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज आर इंटरकनेक्टेड एंड कैन रिस्क ईच अदर फ्राम एक्सटेंसन राइट की मीन्स ये आपका रिस्क बन सकते हैं एक्सटेंशन के लिए कोई भी प्रजाति जो आपके विलुप्त हो रहे हैं जैसे कि हमको हमने देखा था कि आपके जो भी आपके बाज वगैरह हैं अभी वो आपके विलुप्त कर रहे हैं राइट क्यों विलुप्त कर रहे हैं कि मिस जो आपके काऊ थे उनको एक आपका टेबलेट दिया जाता था डाइकोफिनाइल वगैरह करके था एड तो उससे उसके वजह से क्या होता था अगर काऊ का डेथ होता था तो अगर जो भी आपके गिद्ध वगैरह हैं वो इसको खाते थे ईट करते थे देन आफ्टर ये क्या जो आपका टेबलेट था राइट इसके कंटेंट आपके जो है गिद्ध के पार्टिकल्स में मिल जाते थे बॉडी में मिल जाते थे जिसकी वजह से इनका भी डेथ हो जाता था राइट तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फोटीन क्वेश्चन नंबर फोटीन यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द नेशनल पार्कस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट तो आपका नेशनल पार्क रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं राइट तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेशनल पार्क रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट आपका कर रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल पार्क सही है कि मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है डिक्लेयर कर सकती है कि नेशनल पार्क कौन सा है या फिर नहीं है सही है सेकंड स्टेटमेंट आपका कर रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑल द राइट्स ऑफ लैंड टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल पार्क राइट सही है सेकंड स्टेपमेंट इज आल्सो करेक्ट कि मीस जो आपका किसी भी नेशनल पार्क के अंदर जो भी आपके लैंड्स वगैरह आते हैं ये किसके अंडर में आएंगे आपको जो सेंटर ये आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं राइट नेक्स्ट थर्ड स्टेपमेंट आपका कह रहा है कि ओनली आन रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क कैन भी चेंज राइट तो थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट कि मीन कोई भी आपका नेशनल पार्क है उसके बाउंड्री को अल्ट्रेशन करना है राइट right? तो उसको हमको जो उनके जो आपके एडवाइजरी बॉडी हैं राइट लाइक दैट आपका नेशनल बोर्ड जो आपके बने होते हैं फार वाइल्ड लाइफ राइट उनसे हमको क्या परमिशन लेना पड़ेगा राइट देन आफ्टर ओनली हम क्या कर सकते हैं अल्टर कर सकते हैं उनके बाउंड्री को तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सीज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट आप पर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेजन विच टर्म रिफर्स टू बी इंटरमीडिएट स्टेज वेयर द कम्युनिटी इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पायनियर स्पेज टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी राइट राइट तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं देखिए आपका कि इकोनोल आपका क्या

स्टेज बोलते हैं राइट की मीनस इसके बाद ये आपका स्टेबल स्टेज होता है और यहाँ से आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं राइट इसके बीच में आपका एक स्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेरल स्टेज राइट सेरल स्टेज ये क्या होता है आपका जो है ट्रांजिशन जोन होता है ट्रांजिशन जोन किसका आपका पाइनियर स्टेज का और किसका आपका जो है क्लाइमेक्स स्टेज का दोनों का ही आपका ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है राइट तो इसमें आपका क्या होता है जैसे कि हमको पता है कि राइजोबियम राइजोबियम पढ़े होंगे आप लोग राइजोबियम तो राइजोबियम आपका क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसमें जैसे कि हम लोग को पता है कि जो भी आपके लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं दलहन वगैरह उसमें क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जिसकी वजह से क्या होता है नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है राइट तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका सेरल स्टेज ट्रांजिशन बीच के बीच के आपका जो है, जो है जोन के बारे में पूछा है इंटरमीडिएट स्टेज तो इंटरमीडिएट स्टेज आपका सरल स्टेज हुई होता है हमने जो है बताया नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देख सकते हैं क्या है आपका विथ रिफरेंस टू द काजीरंगा नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेज राइट फॉलोइंग टैक्स हाउ मेनी ऑफ द अबाउट टैक्स आर एसोसिएटेड विद द काजीरंगा नेशनल पार्क राइट तो कुछ टैक्स के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से टैक्स जो है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं राइट तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमने बताया है कि कहाँ पर लोकेटेड है आपका जो है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है ये आपका असम में लोकेटेड है असम में और हमने बताया कि जो है आपका किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब कंसीडर किया गया था 1985 में इसको जो है कंसीडर किया गया था तो ये भी बातें आपको याद होना चाहिए राइट तो इसमें आपको कह रहा है कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व सही है इसको भी टैग आपका प्राप्त है सेकंड आपका कह रहा है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज बाई वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल राइट सही है साइबेरियन पक्षी भी इधर आती है आपका देन आफ्टर आपका जो है प्रयागराज मूव करती हैं सही है थर्ड स्टेट में आपका कह रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट

न्यूज में राइट right? तो ये किससे रिलेटेड है इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है तो ये आपको किससे रिलेटेड है डीप फेक टेक्नोलॉजी राइट डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है ये रिसेंटली आपका न्यूज में चल रहा था इसमें क्या होता है कि किसी के फेस को आपका जो है इंटरचेंज करके राइट बॉडी स्ट्रक्चर टोटल उसी का है फेस किसी और का लगा दिया है डीप फेक राइट इसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा था राइट लाइक दैट की मीन्स गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जा रहा था तो ये आपको काफी ज़्यादा न्यूज में था राइट right? तो ये आपका जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क राइट ये आपका डीप फेक नेटवर्क से रिलेटेड हो जा रहा है जो है आपका डिफेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर देख सकते हैं कह रहा आपका विथ रिफरेंस टू द कंजर्वेशन रिजर्व कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट तो कंजर्वेशन रिजर्व के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है reserve, right? so, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेन विद द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द लोकल कम्युनिटीज राइट सही है कि मीन्स जो भी आपका कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं उसको नोटिफाई किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई तो करेगा लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से भी वो कंसर्न करेगा देन आफ्टर लोकल गवर्नमेंट से भी कंसर्ट करके देन आफ्टर वो फाइनलाइज करता है कंजर्वेशन एरिया में डिक्लेयर होगा या फिर नहीं होगा एड सेकेंड स्टेड आपका कह रहा है दे एक्ट एज बफर जोन एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंचुरी एंड रिजर्व लैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइट सेकेंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट है कि मीनस कंजर्वेशन रिजल्ट जो भी होते हैं आपके ये क्या होते हैं कि एक बफर जोन होता है कि किसे किसके बीच का आप जो भी कॉरिडोर्स कौरी, वगैरह होते हैं कॉरिडोर्स इन द सेंस जैसे कि एलिफेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे राइट तो उसमें देखा जा रहा था कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में बहुत से जो है एलिफेंट्स इधर आपका फॉरेस्ट में ही रहते हैं राइट तो रेलवे ट्रैक्स भी मूव करते हैं तो उसके लिए कॉरिडोर्स बनाए गए थे ताकि एलिफेंट्स जो भी रेलवे ट्रैक्स पर ना आए जिसकी वजह से उनके डेथ कंट्रोल के लिए प्रोटेक्ट किया गया था राइट थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट है आपका कि आपका डुगोंग डुगोंग क्या होता है सिकाऊ इसको बोलते हैं राइट right? एक और नाम से जानते हैं सिकाउ यानी कि समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है राइट right? तो इसका आपका कंजर्वेशन किया गया है कहां पर पाक बे में पाक बे कहाँ पर है ये आपका स्टेट जो पाक स्टेट पाया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में राइट right? तो यहीं पर जो है आपका डुगोंग को आपका रिजर्व किया गया है कंजर्वेशन रिजर्व किया गया तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर कौन रहता? सा होता है आपका सी इज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देख सकते हैं कर आपका कि कितने स्टेटमेंट हाउ मेनी ऑफ द एबाउट ट्रीज आर नेचुरली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया राइट तो ये आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं आपके किस में रेन फॉरेस्ट जो आपका इंडिया में रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से जो है नेचुरली फाउंड होते हैं राइट तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ इसी के बीच में ही आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट तो आपका इबोनी महोगनी रोजवुड तीनों ही आपके जो है ये पाए जाते हैं कि इसमें आपका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका सीज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द थीम ऑफ यू एन डिकेड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटीड थर्टी राइट तो यू एन डिकेट के बारे में पूछ रहा है कौन सा जो है आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका डी इसका राइट आंसर है कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इको सिस्टम रिजर्वेशन राइट ये आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि इसको यूएन डिकेड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से जो है आपका थर्टी तक का जो डी डिकेड यानी कि दस साल का जो माना जाता है राइट ये आपका इसी को ही कंसिडर किया गया यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इको सिस्टम रिजर्वेशन देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन यहाँ पर देख सकते हैं डाइकोटोमक्स की डाइकोटोमस की जो है आपका वो बेस्ट रेफर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट जो डाइकोटोमस की देखने को मिलता है राइट right? ये कौन से स्टेटमेंट आपका बेस्ट डिस्क्राइब किया हुआ है इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है तो राइट right आंसर कौन सा इसका सी इज द राइट आंसर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बेस्ट And the traits, right? कि उनके कैरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है डिफरेंट किया जाता है डिफरेंसिय को, को हम लोग क्या बोलते हैं डाइकोटोमस है, right? है? की यानी डिवल बिहेवियर देखने को मिलता है नेक्स्ट नंबर ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी देख सकते हैं कर आपका इफ एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू हेज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ हु एमंग द फॉलोइंग परमिट्स एनी पर्सन टू हंट सच एनिमल लाइक ये आपका पूछ रहा है कि मीन्स कोई भी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जैसे कि टाइगर ही है राइट तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत इसको प्रोटेक्शन प्राप्त है राइट लेकिन ये डेंजरस बन जाता है ह्यूमंस के लिए और ह्यूमंस को किल करने गांव में निकल गया राइट तो ये आपका अब लोगों को किल करना स्टार्ट कर दिया राइट तो ऐसा कौन सा अथॉरिटी है जो इसको प्रोवाइड करता है कि इस जो है एनिमल को किल किया जाना चाहिए

कौन कौन से डायमेंशन लिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग पूछ रहे कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right. तो इसमें चारों ही डायमेंशन आपका लिया जाता है रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस वॉयस एंड अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल ऑफ करप्शन राइट ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट राइट किमिस चारों ही डायमेंशन को लिया जाता है कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में रैंकिंग जो वर्ल्ड बैंक रैंकिंग जारी करता है राइट right? कंट्रीज को वर्ल्ड लाइक गवर्नेंस इंडिकेटर्स में फ्रेमवर्क जो होता है राइट right? तो इसका डी इसका right राइट आंसर है कि चारों ही स्टेटमेंट लिए जाते हैं नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देख सकते हैं करें आपका हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन आर सोन बाई मैग्रोव राइट किमि मैग्रोव के द्वारा इसमें से कौन कौन से एडाप्टेशंस देखने को मिलता है इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है राइट right? तो इसमें भी आपका जो है सभी पैरिटी देखने को मिलता है कल्टी राइट क्यूटीनाइज एपिडर्मिस राइट न्यूमोटोफोरस राइट की मीनस उनकी जो जड़े होते हैं उसको वो बहुत डीप तक जाती हैं राइट right? जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन वगैरह प्राप्त हो पाता है न्यूमेटोफोरस उसी को बोला जाता है राइट right? तो चारों ही कैरेक्टर्स नी रूट्स राइट तो चारों ही कैरेक्टर्स इसमें भी देखने को मिलता है मैग्रोज में तो राइट आंसर कौन सा होता है डी इज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में आप देख सकते हैं आपका क्या है कंसिड द फॉलोइंग पेयर्स राइट बायोस्फेर रिजर्व दिया गया एक साइड आपका स्टेट दिया गया है right, राइट तो पूछ रहा है आपका कि कौन सा बायो स्पेयर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके हाउ मेनी ऑफ द एवो पेयर आर करेक्टली मैच राइट मीन्स हाउ मेनी स्टेटमेंट्स जो है आपके बायोस्पियर रिजर्व किस स्टेट में पड़ते हैं इसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं राइट right, राइट तो बायोस्फीयर रिजर्व आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है राइट बायोस्फीयर रिजर्व पंचमरी आपका मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीस पंचमरी आपका जो है ए में ही पाया जाता है पंचमरी राइट सेकंड आपको कह रहा है कि शीसाचलम हिल्स राइट right? सेशाचल हिल्स आपका कहां पर पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ना कि तेलंगाना में राइट right? तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है थर्ड आपका कह रहा है नौकरिक के बारे में नौकरी आपका कहां पर पाया जाता है ये आपको मेघालय में पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो आपका मेघालय है राइट यहाँ पर आपका जो है देखने को मिलता है कौन सा नौकरी देखने को मिलता है राइट तो देख सकते हैं कि थर्ड भी आपका रॉन्ग है तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है कर आंसर कौन होता है आपका इज द राइट आंसर ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट देन आपका आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सिक्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका करा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल राइट लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है राइट right. राइट right, तो देख सकते हैं कि ये ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि लिथ्स सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में पूछ रहा है लिथ्स सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है फर्स्ट आपका कर रहा है इट इज ए लार्ज फ्रेश वाटर टर्टल विच इज इंडेमिक टू पेनसुलर इंडिया राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीस जो आपका लिथ्स फ्रेश वाटर टर्टल पाया जाता है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है ये आपका पेनसुलर इंडिया में पाया जाता है पेनिसुलर पार्ट इन द सेंस विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री राइट दैट इज नोजर पार्ट ऑफ right? इंडिया राइटर right? से right? तो अगर इसके बाद किया जाए राइट जा, right? तो बिफोर थर्टी ईयर से जो है पॉपुलेशन सॉफ्ट से, सेल टर्टल है इसका डिक्लाइन कर दिया जिसकी वजह से रियरली कहीं पर पाया जाता है

राइट तो देख सकते हैं 27 आपका रहा है कि कौन सा नाम से जाना जाता है राइट right? तो मान लीजिए आपका कहीं क्वेश्चन इंडिका पूछ लिया तो आप कन्फ्यूज हो जाए कि मिस ये क्या पूछ रहा है राइट right? तो इसको आपका इंडियन पार्कू पाइंस को ही आपका हिस्ट्रिक्स इंडिका के नाम से भी जाना जाता है राइट right? तो दे आर नॉक्टर्नल राइट सही है कि ये आपका रात में आपका जो है मूवमेंट करते हैं सही है

किया जाएगा राइट की मीन्स हाईली प्रोटेक्शन नहीं होगा और ये आपका थ्रू आउट पा, पाये जा रहे राइट की मीन्स ज्यादातर इलाके में पाए जा रहे हैं राइट तो देख सकते हैं फर्स्ट आप आपका क्योंकि आपका रेस्ट्रिक्टेड नहीं है आपका सदर इंडिया में नहीं पाया जाता है बल्कि सभी पार्ट में पाया जाता है थर्ड आपका कह रहा है दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 राइट तो थर्ड स्ट्रेड आपको रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसको जो है लिस्ट कंसर्न किया गया और शेड्यूल फोर में रखा गया है शेड्यूल फोर में रखा गया क्यों रखा गया क्योंकि आपका जो है ज़्यादा अभी पाए जाते हैं राइट right? ऐसा कोई कंसिडर नहीं है कि आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए राइट right? तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो हो जाते हो जाते हैं उसी को ही शेड्यूल फर्स्ट में कंसिडर किया जाता है right? राइट तो लिस्ट कंसर्ट है तो शेड्यूल फोर में इसको रखा गया है तो राइट आंसर क्वेश्चन होता है आपका इज द राइट आंसर ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट राइट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट यहाँ पर देख सकते हैं करा आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन गबा और करेक्ट राइट कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है फर्स्ट आपका है ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैन बी ए रिजर्व फॉरेस्ट बट ए रिजर्व फॉरेस्ट कैन नॉट बी ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं राइट तो देखिए फॉरेस्ट आपका जो है जनरली आपका तीन टाइप का होते हैं एक होता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा आपको कौन सा होता है विलेज फॉरेस्ट और थर्ड वन आपको कौन सा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइट तो देखिए रिजर्व फॉरेस्ट आपको क्या होता है कि जिसमें ज्यादातर जो आपका आप फॉरेस्ट होता है वो किसके द्वारा गवर्न के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा राइट गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट बोले जाते हैं राइट और इंडिया में मोर देन फिफ्टी परसेंट अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी थ्री परसेंट जो भी फॉरेस्ट है आपके रिजर्व फॉरेस्ट में कंसीडर किए गए हैं राइट और रिजर्व फॉरेस्ट में आपका जो भी फॉरेस्ट आते हैं उसमें क्या होता है आपका हंटिंग पोचिंग एंड कटिंग आप ट्रीज ये सभी क्या होते हैं आपके रेस्ट्रिक्टली बैन होते हैं राइट की मीन रेस्ट्रिक्टली बैन होते हैं राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है लेकिन अब आगर... सॉरी तीनों स्टेटमेंट को समझ लेते हैं फिर जो है आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है उस पर हम लोग जाते हैं राइट और दूसरा आता है आपका कौन सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइट तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं आपका वो स्टेटमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होता है राइट वो किसी भी एरिया लैंडफार्म को जो है प्रोटेक्टेड एरिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कंसिडर किया जा सकता है राइट लेकिन देखिए इसमें आपका क्या होता है कि जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होंगे राइट वो रिजर्व किसी रिजर्व फॉरेस्ट को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कंसिडर कर सकता है राइट लेकिन कोई भी अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है राइट तो उसको जो है रिजर्व गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है रिजर्व फॉरेस्ट में कंसीडर नहीं कर सकता है राइट तो इसलिए फर्स्ट स्टूडमेंट आपका सही है हो जाता है कि मीन्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो आपके वो रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर किए जा सकते हैं लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट को तो आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिक्लेयर नहीं किया जा सकते हैं राइट सेकेंड आपका रहा है कि रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ द विलेज फॉरेस्ट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट राइट सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि मीस जो आपके विलेज फॉरेस्ट होते हैं हमने बताया इंटरमीडिएट में आपका विलेज फॉरेस्ट राइट तो ये किसके द्वारा जो आपका है आपका गवर्न किए जाते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपका गवर्न किए जाते हैं विलेज फॉरेस्ट जो भी होते हैं आपके रेगुलेट एंड मैनेज किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइटम्स कौन सा होता है आपका सीज द राइट आंसर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन आफ्टर रहता है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका रिसेंटली इंडिया साइन डेमोर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इनहेंसिंग इनोवेशन इको सिस्टम थ्रू एन इनोवेशन हैंडसेक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज राइट तो आपका किसके द्वारा किया गया यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया है तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका सॉरी राइट यूएसए के द्वारा किया गया है राइट यूएसए के द्वारा किया गया है तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी यहाँ पर देख सकते हैं राइट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी यहाँ पर देख सकते हैं आपको फंडामेंटल के बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका फंडामेंटल देख सकते हैं इन द कंटेक्ट ऑफ इकोलॉजिकलिसम फंडामेंटल नीस रेफर्स टू राइट तो फंडामेंटल नीस आपका क्या होता है किस जिसमें आपको क्या कर सकता है कि पोटेंशियली स्पेसीज एक्जिस्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल नीस बोलते हैं राइट right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है आपका की द इंटायर रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच ए स्पेसीज कैन पोटेंशियली एग्जिस्ट दैट इज नोन एज फंडामेंटल नीस तो राइट आंसर हो जाता है इसका ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्ट वन यहाँ पर देखते हैं कह रहा है आपका रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड परेले मिसाइल मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट इन दिस कॉन्टेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट आपका जो एक मिसाइल टेस्ट किया गया है परायल पराले मिसाइल जो आपका उड़ीसा कोस्ट से आपका कंसिडर किया गया राइट right? तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं राइट right. तो देखिए जो आपका ये मिसाइल लॉन्च किया गया है right? राइट ये आपका एक शॉर्ट रेंज है आपका और तीन साढ़े तीन सौ से लेकर पांच सौ किलोमीटर का शॉर्ट रेंज आपका सरफेस टू सरफेस यानी कि सरफेस से आपका जो है सरफेस को ही वार करेगा सरफेस टू सरफेस आपका मिसाइल है राइट right? तो सेकंड आपका करेक्ट है फर्स्ट आपका करे द मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट तो ये आपका डीआरडीओ के द्वारा जो है आपका इसको ये उसको जो आपको मेंडेटर है आपका मैंडेटरी किया गया तो फर्स्ट भी आपका सही है थर्ड आपका कर रहा है इट हैज ए प्लेलोड पेलोड कैपेसिटी टू थाउजेंड के जी राइट तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी इज द राइट आंसर ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ए फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर टू द टॉप प्र राइट किमस जो है आपको इसमें इसको क्या करना है आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके टॉप प्रीडेटर के रिकॉर्डिंग आपको क्या करना है इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है राइट तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि किमिन सबसे पहले आपका कौन सा आता है डिजट विलो आता है राइट डिजट विलो सबसे पहले आपका आता है राइट देन आफ्टर आपका कौन सा आता है डिजर्ट हेयर आता है डिजर्ट हेयर देन आफ्टर आपका कौन सा आता है स्नेक्स आते हैं स्नेक्स इसको जो है आपके ईट करते हैं राइट तो उसके बाद आपके कौन से आते हैं कि किमिन फालकन आते हैं राइट फालकन आते हैं फल्कन इसको ईट करते हैं किसको स्नेक को ईट करते हैं राइट देन आफ्टर जो है आपका कौन सा आता है ये आपका आता है कोयोट राइट कोएट उसके बाद आता है तो राइट आंसर कौन सा आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री यहाँ पर देख सकते हैं कि कोप फाइव के बारे में बात कर रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फाइव के बारे में आपका पूछ रहा है टू मीना माता कन्वेंसन येल्ड हेल्ड इन जिनेवा रिसेंटली इन दिस कॉन्टेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट कोप फाइव के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right, तो देखिए नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री यहाँ पर देख सकते हैं आपका बात कर रहा है कोप फाइव जो कि मीना माता कन्वेंशन के बारे में आपका बात करता है राइट right? तो ये आपका क्यों न्यूज में था इसके बारे में हम लोग समझते हैं राइट right? तो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में आपका जो है कोप फाइव का मीटिंग हुआ है राइट right? और ये आपका किससे रिलेटेड है मरकरी के से रिलेटेड है आपका कि मीनस मरकरी के लिए आपका एक बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ था राइट right? ये आपका टू थाउजेंड थर्टीन में ही हुआ था राइट right? लेकिन इंडिया ने इसको रेटिफाई किया गया है टू थाउजेंड एटीन में इंडिया के द्वारा जो आपका रेटिफाई किया गया था ये ह्यूमन हेल्थ के कंसर्न के रिगार्डिंग आपका किया गया था राइट इसीलिए इसको जो है आपको बाइंडिंग कर दिया गया था तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्करी इज ए ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी टू तो प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्राम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मर्करी राइट सही है कि मीन्स जो है मर्करी के एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए ह्यूमन हेल्थ को थ्रू आउट द वर्ल्ड एक बाइंडिंग ट्रीटी किया गया था उसी को हम लोग मीना माता कन्वेंशन आप मारकर जो है ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी बोलते हैं राइट सेकंड वन इज द इंडिया हैज रेटिफाइड द कन्वेंशन राइट तो सही है क्योंकि हमने बताया 2018 में इंडिया ने जो इसको रेटिफाई कर दिया राइट थर्ड आपका कह रहा है कि इन को फाइव पार्टीज हैव एग्रीड आन ए थ्रेश वैल्यू ऑफ हंड्रेड एम पर के टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी इन वेस्ट कंटेमिनेटेड विथ मरकरी राइट मीनस हंड्रेड एम पर के यानी कि हंड्रेड एम अगर एक के आप मरकरी लेने जाते हैं तो हंड्रेड एम जो है आपका वेस्ट हो जाएगा ये इसमें जो है आपका बात हुआ था क्या राइट right? तो आपका ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका कितने एम का जो है आपका वेस्ट देखने को मिलता है ये फिफ्टीन एम जी पर के जी राइट यानी कि एक के जी में आपको जो है फिफ्टीन एम जी जो है वेस्ट देखने को मिलता है तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है देख सकते हैं कि दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो राइट आंसर कौन है आपका बीस बीस का राइट आंसर हो जाता है कि मीन ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन आपका आपको क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर यहाँ पर देख सकते हैं क्या है आपका कि विथ रेफरेंट टू द मैन एंड बायो स्पेयर राइट यानी कि, कि मैब के बारे में आपका पूछ रहा है मैन एंड बायो स्पेयर प्रोग्राम कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट की मीस मैन एंड बायो स्पेयर प्रोग्राम की रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राइट तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आपका जो है मैब के बारे में पूछ रहा है मैन एंड बायोस्फीयर के बारे में पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम राइट कि मिस जो कंट्री टू कंट्री सही है लॉन्च इन नाइनटीन सेवन वन बाई द यूनेस्को फॉर द इम्प्रूविंग पीपल्स रिलेशनशिप विथ इन्वायरमेंट राइट फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मिस जो आपका इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मैन एंड बायोस्फीयर कि मिस जो बाय जो इन आपके मैं राइट ह्यूमन्स है right? वो क्या करें कि ह्यूमंस के द्वारा यानी कि मैन और जो है इन्वायरमेंट में एक जो है आपका रिलेशनशिप बना रहे अच्छा इन्वायरमेंटशिप बना रहे तभी आप क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं जैसे कि हमको मैन है राइट इसको जीने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन कौन देगा हमको प्लांट्स ही देगा राइट और प्लांट को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से देते हैं ये आपके जो भी व्हीकल्स वगैरह हुए या फिर ह्यूमंस जो है वो भी रिलीज करते हैं राइट तो ये आपका एक रिलेशनशिप बना रहा है इसी के लिए आपका जो है मैन एंड बायोस्फीयर जो आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सही है सेकेंड कर आपका बायोस्फीयर रिजर्व डिजाइनेशन क्राइटेरिया इंक्लूड्स लार्ज प्रोटेक्टेड कोर एरिया एनएफ टू सस्टेन वाएबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिक लेवल्स राइट सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इट इज गवर्न बाई इंटरनेशनल कोआर्डिनेटिंग काउंसिल रिपोर्टिंग टू यूनेस्को राइट थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीस आपका क्या है कि गवर्न किया जाता है किसके आपका इंटरनेशनल कोआर्डिनेटिंग काउंसिल के द्वारा जो कि रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा आपका यूनेस्को के द्वारा तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर कौन सा हो जाता आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता कि आल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दिन आपका आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव यहाँ पर देख सकते हैं आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्राइटेरिया फॉर द डिफिनेशन ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट राइट तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है राइट तो नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव यहाँ पर देख सकते हैं आपका बात कर रहा है कि बायोडावर्सिटी डियो हाट स्पॉट के बारे में बात कर रहा है राइट right? तो देखिए बायोडावर्सिटी हार्ट हॉट स्पॉट किसी भी रीजन को कंसिडर करने के लिए टू स्ट्रिक्ट प्रोविजन आपका बनाया गया राइट की मीनस पंद्रह सौ जो है आपका क्या होना चाहिए एंडेमिक प्लांट्स होना चाहिए राइट पंद्रह सौ आपके वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक होना चाहिए राइट right? वेस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक होना चाहिए राइट right? तभी आपको जो है ये आपका इसको कंसीडर किया जाएगा और सेकंड जो क्राइटेरिया है आपका थर्टी परसेंट और उससे कम जो है इसका ओरिजिनल जो है आपका नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए तभी इसको आपको जो है बायोडावर्सिटी हॉट स्पॉट में कंसीडर किया जाता है राइट तो फर्स्ट आपका कह रहा है इट मस्ट हैव एटलीस्ट फिफ्टीन हंड्रेड वेस्कुलर प्लांट्स एंड एनिमल एज एंडमिक राइट तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि फिफ्टीन हंड्रेड वेस्कुलर प्लांट्स नॉट एनिमल्स राइट तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है सेकंड आपका कह रहा है इट मस्ट हैव थर्टी परसेंट और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन तो सेकंड तो आपका सही है तो राइट आंसर क्वेश्चन होता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फर्स्ट वन इज द रॉन्ग नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया राइट मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एवर करेक्ट राइट तो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट कर रहा है कि दे आर नोटिफाइड एज नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कोस्टल एंड मैराइन साइट्स आर आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज एज इम्पॉर्टेंट कोस्टल एंड मैराइन एरिया बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया राइट तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका सीज का राइट right आंसर हो जाता Both the statements are correct. Then है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टेटमेंट दिया गया इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉइंग बर्ड्स इज बींग डिस्कस्सड इन द एबाइसेज राइट मीस ये किस बर्ड के बारे में आपका बात कर रहा है इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right, तो देखिए फर्स्ट इसमें आपका कह रहा है इट इज ए नॉक्टर्नल बर्ड राइट यानी कि आपका में ये आपका मूवमेंट करता है फाउंड ओनली इन द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश राइट आपका ये और ये कहाँ पर पाया जाता है ओनली आपका आंध्र प्रदेश के नदर्न पार्ट में ही पाया जाता है right? राइट तो ये आपका किस बर्ड के बारे में बात कर रहा है राइट right? तो ये आपका कौन सा बर्ड है जेरोडन्स कौरसर राइट right? जो जेरडोस आपका कौरसर से आपका ओनली पाया जाता है कहाँ पर नदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश राइट तो इसका राइट आंसर तो हो जाता है आपका बीस का राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको बात कर रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक्सपीरियंस इज इनक्रीज रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिन राइट राइट तो ये आपका पूछ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका राइट तो सबसे पहले हमको कंट्री पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं राइट पर देख सकते हैं कि मीस कौन कौन सी कंट्री आते हैं इसको हमने जो है हाईलाइट करने का प्रयास किया यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आपका सोमालिया आता है राइट ये आपका हॉर्न की तरह दिखता है इसीलिए बोला जाता है कि आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है राइट तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर पाया जाता है राइट ये आपका सोमालिया इधर आता है आपका कौन सा ये सोमालिया राइट इधर जुबूती आता है राइट और इधर आपका इरेट्रिया आता है और ये इथियोपिया राइट तो चार कंट्रीज को मिला के आपको जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है राइट तो यहां पर आपको क्या देखा गया है कि मीनस यहाँ पर ये आपका बोल रहा है देख सकते हैं कि द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक्सपीरियंस इज इंक्रीज रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ वाटर फिन राइट कि किस आपके जो की आपको जो है वाटर फिनमि के दौरान आपको सबसे ज्यादा वाटर रेनफॉल देखने को मिलता है इसके बारे में आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right. तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका एल नीनो एंड आईओडी राइट पॉजिटिव आईओडी पॉजिटिव आईओडी इन द सेंस आपका क्या होता है कि मीस इंडियन ओशियन राइट ये आपका क्या है इंडियन ओशियन है तो हमको पता है कि इंडियन ओशियन आपका क्या होता है कि मीस पॉजिटिव आईओडी कब बोला जाता है कि मीस इंडियन मानसून में आपका जो है इधर का पार्ट को हम लोग बे ऑफ बंगाल बोलते हैं और इधर वाले को बोलते हैं अरेबियन सी बोलते हैं राइट अरेबियन सी बोलते हैं तो इधर आपका क्या हो जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है राइट right? इधर टेम्पेचर ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव आईओडी बोलते हैं लेकिन इधर जब टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाए और इधर चर आपका कम हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव आईओडी बोलते हैं राइट तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है आपका फिनमिना जिसके दौरान आपको क्या होता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो होता है इसमें जो है आपका इंक्रीज रेनफॉल देखने को मिलता है राइट तो एल निनो और लालीना जो है इसके लिए हमने जो है अलग लेक्चर्स लिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं राइट लेकिन इसके रिगार्डिंग आपका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका एल निनो और पॉजिटिव आईओडी के ड्यूरिंग पॉजिटिव आईओडी एंड एल निनो आपका जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका इज द राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा, right? रहा है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इम्प्लायज स्टेट इंश्योरेंट स्कीम राइट इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंट स्कीम के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट राइट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन एवा करेक्ट रिगार्डिंग द इम्प्लायज स्टेट इंश्योरेंट स्कीम राइट राइट right. तो इसमें आपको जो है तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दिए गए हैं तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है नन ऑफ द अबव नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं कह आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द ईवे बिल राइट ईवे बिल के रिगार्डिंग पूछ रहा है सिस्टम अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स राइट जीएसटी के रिगार्डिंग आपका जो ई वे बिल जारी किया जाता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं राइट तो ई वे बिल के रिगार्डिंग आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फर्स्ट वन आपका कह रहा है कि ए कंसाइनमेंट वैल्यू और मोर देन फिफ्टी थाउजेंड इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ई वे बिल फॉर द मोमेंट बिटवीन द टू स्टेट एंड विद इन ए स्टेट राइट किमींस देखिए एक ई वे बिल को रिगार्डिंग रिलीज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि लगभग आपका फिफ्टी थाउजेंड का जो है रिक्वायरमेंट होना चाहिए किमीस जनरेट करना चाहिए तभी आपका जो है ई वे बिल आपका जो है कंसिडर किया जाएगा राइट right? और ये आपका विद इन द स्टेट और इंटरा uh, स्टेट भी आपका हो सकता है राइट right? किमींस ये आपके स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है और विद इन ए स्टेट भी हो सकता है सेकेंड वन इज द विथ रिगार्ड टू इंटर स्टेट मोमेंट आप गुड्स ईच स्टेट इज फ्री टू चूज ए थ्रेश होल्ड वैल्यू फार ई वे बिल जनरेशन राइट सेकेंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट थर्ड आपको कह रहा है कि नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट बाई ए नॉन मोटे मॉनिटराइज कॉन्वे राइट तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन यहां पर देख सकते हैं कर आपका टर्म्स आइसोनियाजिड राइट आइसोनियाजिड आपके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि रिफेमपिन राइट की मीन्स ये आपका न्यूज में था इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right? तो देख सकते हैं इसमें आपका जो है तीन टर्म दिए गए हैं आइसोनियाजिड उसके बाद आपका रिफेमापिन एंड इथेम ब्यूटोल राइट तो तीन टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं ये किससे रिलेटेड है इसके बारे में आपका बात किया जाता तो ये आपका ट्रीटमेंट आप ट्यूबर क्लोसिस लिए किया जाता है राइट मेडिकेशन ऑफ ट्रीट ट्यूबर क्लोसिस टीबी के आपका जो है इसको निवारण के लिए आपका उपयोग किया जाता है तो इसको हम लोग ये आपका न्यूज में था तो आपको कंसीडर करना है नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यहाँ पर देख सकते हैं कह क्या आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो स्पेयर रिजर्व राइट right? यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो स्पेयर रिजर्व की रिगार्डिंग आप पूछ, पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं राइट राइट तो इसके रिगार्डिंग आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कर इट वाज फॉर्मड इन 1971 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड लिविंग ऑफ इन हार्मनी विथ नेचर राइट फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है सेकंड आपका कह रहा है कि मोर देन 50 परसेंट ऑफ द नोटिफाइड बायोस्पेयर रिजर्व इन इंडिया आर ए पार्ट ऑफ यानी कि आपका किसका पार्ट है आपका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेर रिजर्व राइट सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट थर्ड लेकिन आपको रॉन्ग दिया गया क्योंकि इसमें आपको बात कर रहा है कि सुंदरबन बायोस्पेयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एड अंडर आपका जो है वर्ल्ड नेटवर्क आप बायोफेयर रिजर्व राइट तो ये आपको रॉन्ग हो जाता है क्योंकि फर्स्ट जो आपका बायोस्फेयर रिजर्व बनाया गया था वो आपका नीलगिरी का बनाया गया था 2000 में राइट और सुंदर लोकेशन आपको पता होना चाहिए ट्राई जंक्शन में आपका पाया जाता है कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर पाया जाता है आपका कौन सा नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व राइट लेकिन वही अगर बात किया जाए सुंदरबन बायोस्फेर रिजर्व तो यह सबको पता होगा वेस्ट बंगाल में आपको जो है लोकेशन पाया जाता है तो देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर कौन हो जाता है आपका का राइट आंसर हो जाता है ओनली टू स्टेटमेंट सर करेक्ट देन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री यहां पर देख सकते हैं कह आपका रिसेंटली इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रोसेस राइट जो आपका रिमूव हुआ है इंडिया आपका जो सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रोसेस से फॉर रेड सेंडर्स इन दिस कॉन्टेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द आर एस टी यानी कि जो आपका ये किसके बारे में बात कर रहा है कि रिमूव फ्राम द सिग्निफिकेंस ट्रेड प्रोसेस राइट इसके बारे में बात कर रहा है एंड रेड सेंडर स्पेसिज इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं राइट तो इसमें आपका जो है एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है थर्ड ओनली रेड सेंडर इज इंडियामिक इन द साउथ इंडिया और दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हैं तो राइट आंसर कौन सा होता का इज द राइट आंसर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट देन आप आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका फोर्टी फोर यहां पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विद रिफरेंस टू द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट तो ये आपका क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवेन एवा और करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं राइट तो इसमें देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द सिक्सटीन मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी राइट तो फर्स्ट आपका राहंगा जाता है क्योंकि ये आपका कब एडॉप्ट किया गया था कोप फिफ्टीन राइट कोप फिफ्टीन में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था राइट कोप फिफ्टीन में आपको जो है अडॉप्ट किया गया था तो फर्स्ट आपका राहंगा जाता है सेकंड आपका कह रहा है कि इट एस्पायर्स टू रिस्टोर थर्टी परसेंट ऑफ द डिग्रेडेड लैंड एंड मैराइन एरिया बाय टू थाउजेंड थर्टी सेकंड आपका सही है थर्ड आपका कह रहा है इट टारगेट टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंट्रोडक्ड्यूस्ड इन्वेजिव स्पेसिज बाई फिफ्टी परसेंट बाई टू थाउजेंड थर्टी तो सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका बीस का राइट आंसर हो जाता है ओनली टू स्टेटमेंट सर करेक्ट देन आप्टर आता आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि एक साइड आपका न्यूट्रियंस दिए गए और एक साइड आपका जो है लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वाइल दिया गया राइट तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कितने आपके करेक्टली मैच है राइट right, तो देखिए कार्बन सबसे ज़्यादा जो है आपका पाया जाता है लार्जेस्ट रिजर्वायर कार्बन जो की बात किया जाए राइट right? तो कार्बन आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है डीप ओशियंस में पाया जाता है राइट डीप ओशियंस में पाया जाता है तो इसीलिए जो जो है हमको पता होगा कि ओशियन को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन सिंक बोलते हैं राइट कार्बन सिंक आपने सुना भी होगा कार्बन सिंक बोला जाता है किसको आपका जो है ओशियंस को बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्वेशन किया जाता है वो आपका ओशियन के ही द्वारा किया जाता है राइट तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि लार्जेस्ट जो रिजर्वायर कार्बन का पाया जाएगा वो कहाँ पर पाया जाएगा आपका डीप ओशियंस यानी कि गहरे समुद्र में पाया जाएगा राइट और सेकेंड आपका कह रहा है कि फास्फोरस राइट तो फास्फोरस आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है ना कि आपका एटमोस्फेयर में तो रॉन्ग हो जाता है राइट right. थर्ड आपको कह रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है राइट right? एटमॉस्फेयर में तो देख सकते हैं कि तीनों ही आपका जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है तो राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाता है नन ऑफ वन इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स यहां पर देख सकते हैं आपका विथ रिफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द following statements, राइट right? तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो क्वेश्चन इसी टेस्ट टे सीरीज में हमने जो है क्वेश्चन नंबर वन टू फिफ्टी में ही हमने जो है दो क्वेश्चन पा गया कि इसके रिगार्डिंग एलिफेंट के रिगार्डिंग राइट right? तो देख सकते हैं इसमें आपको पूछ रहा है कि एलिफेंट के रिगार्डिंग हाउ मनी आप द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट राइट तो तीन स्टेटमेंट दिए गए इसमें से बोल कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिए हुए हैं राइट right, तो ये आपका एलिफेंट की रिगार्डिंग पूछ रहा कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल एंड इज डेबिक्टेड ऑन द फ्रीज ऑफ द सर्कुलर एबेकस ऑफ द स्टेट एम्बलम राइट तो स्टेट एम्बलम जो आपको देखने को मिलता है right? राइट इसमें आपको जो है एबेकस में भी देखने को मिलता है तो so, फर्स्ट आपका सही है सेकंड आपका कह रहा है एलिफेंट सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन फाइव ईयर्स राइट सेकेंड भी आपका सही है कि क्योंकि जो आपका एलिफेंट सेंसस होता है राइट right? राइट तो देखिए फर्स्ट को थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं कि मिशन जो कि ये नेशनल एम्बलम इन द सेंस किसके बारे में बात कर रहा है ये अशोक चक्र के बारे में बात कर रहा है राइट कि मिस ये जो आपका ये आपको देखने को मिलता है नेशनल एम्बलम जो देखने को मिलता है राइट ये आपका एबैक्स सब सर्कुलर एबैक्स पाया जाता है राइट तो इस पर जो है प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मिस कौन कौन से चार एनिमल्स जो है दर्शाए गए हैं है, इंडिकेट किए गए जो आपका नेशनल एम्बलम एबैकस पर दर्शाया गया है राइट तो फोर कौन कौन से एनिमल्स है इसके बारे में लोग समझते हैं राइट लॉयन है राइट तो कभी कभी टाइगर दे देता है तो टाइगर रॉन्ग हो जाएगा लॉय होता है राइट लॉयन है एलिफेंट है एलिफेंट है राइट और कौन सा एनिमल्स है आपका हॉर्स है हॉर्स है राइट और कौन सा एनिमल्स है आपका बुल है बोले राइट तो चार एनिमल्स हैं आपको याद रखना है राइट और इसके ऊपर आपके क्या होते हैं चार आपके लॉयंस बने हुए हैं जो कि दहाड़ रहे हैं चारों डायरेक्शंस में राइट तो ये भी आपको याद होना चाहिए राइट तो देख सकते हैं सही है कि एलिफेंट जो है वो आपका नेशनल एम्बलम में देखने को मिलता है सेकेंड आपका कह रहा है कि एलिफेंट सेंसस जो होता है आपका वो कंडक्ट किया जाता है एवरी फाइव ईयर्स पे राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीनस एवरी फाइव ईयर्स पर आपका क्या किया जाता है कि एलिफेंट सेंसस किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है कितना जो एलिफेंट की अभी संख्या है राइट इसको जो है पता किया जाता है राइट अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कौन एलिफेंट को कैसे पता किया जाएगा तो कै, कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं जिसके द, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कि पता कर पा रहे हैं कितने कि एलिफेंट्स आपके जो है प्रेजेंट है राइट थर्ड आपका कह रहा है कि देयर आर अराउंड 50 एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया राइट तो आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो है आपका जो फाइव ईयर्स पर एलिफेंट सेंसस किया जाता है इसके अकॉर्डिंग अभी पाया गया है कि थर्टी थ्री एलिफेंट रिजर्व आपका इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बीस का राइट आंसर हो जाता है ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन पड़ा आता है आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका दिया गया कि दो स्टेटमेंट दिए गए इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right, तो देखिए फर्स्ट स्टेट में आपको कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ द सी ऑटर्स राइट right, की मीस अगर जो है आपका सी ऑटर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है कोस्टल में राइट इको सिस्टम में द केल्प फॉरेस्ट टेंस टू तो ग्रो रेपि इन द इन्वायरमेंट राइट right, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में लोग समझते हैं राइट right, तो देखिए ये आपका जो सी ऑटर्स होते हैं राइट right, ये आपका सी उ, सी में आपके जो है प्रेजेंट रहते हैं राइट जो है आपका रिसेंटली देखा गया था कि इनकी जो नंबर्स है राइट वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा था राइट क्यों डिक्लाइन कर रहा था क्योंकि जो आपका सी अर्चि राइट सी अर्चिस एक आपका स्पीसीज होता है जो सी ऑटर्स को क्या कर रहा था किल कर दे, दे रहा था राइट लेकिन देखिए अगर से जो है सी ऑटर्स आपके जो है संख्या बढ़ती है राइट सी ऑटर्स बढ़ती है तो केल्प फॉरेस्ट जो है केल्प फॉरेस्ट जो है राइट इसको ये तो खाएगा ईट करेगा तो कम होगा ना ड्रेस्टिकली आपको क्या हो जाएगा कम होगा राइट ना कि डिटोरियट करेगा ना कि आपको बढ़ेगा राइट तो देख सकते हैं फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है सेकंड आपका कह रहा है कि इन ए टॉप डाउन ट्रॉपिक कैसकेट चेंजेज इन पॉपुलेशन ऑफ टॉप प्रीडेटर अल्टर्स द फूड वेब डायनामिक्स ऑफ द लोअर ट्रॉपिक स्टेज राइट तो ये ऑब्वियसली बात है कि मीस ये अल्टर करेगा कोई भी टॉप डाउन ट्रॉपिक कैसकेट जो होगा आपका चेंज होता है पॉपुलेशन में किसी में भी तो वो अल्टर होगा ही होगा राइट तो सेकंड आपका सही है और फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है तो राइट right आंसर कौन सा हो जाता है आपका डीज का राइट right आंसर हो जाता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इन राइट सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट राइट तो राइट right आंसर हो जाता है डीज का राइट right आंसर हो जाता है नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 एट यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन राइट तो देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं राइट right? कि ऑल द गैसेज जो सभी uh, ऐसे गैसेज राइट right? जो क्या करे कि मीन्स आने दे राइट right? अलाउ करे राइट right? अलाउ करे एटमोस्फेयर कोई मीन्स अर्थ पर आने के लिए राइट right? लेकिन ये क्या करे मीन्स विच आर ट्रांसपेरेंट टू द ट्रांसपेरेंट टू द अर्थ राइट की मीस ट्रांसपेरेंट के लिए ये आपका ट्रांसपेरेंट है राइट right? लेकिन इधर से जब रिटर्न होते हैं तो ये ऑपेक बन जाते हैं बाधा बन जाते हैं right? राइट इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं राइट right? की मीस ये आपका अर्थ है राइट right? यहाँ पर पहुँच गए राइट लेकिन ये एटमोस्फेयर से रिलीज नहीं होने रहे रेड right? आउट नहीं जाने दे रहे जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस राइट right? ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है राइट right? तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं राइट right. तो so, इसमें आपका जो है स्टेटमेंट नंबर सेकंड ओनली करेक्ट है कि द बुलेटिन शोज द ग्लोबली एवरेज सरफेस मोल फ्रैक्शन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड कंपेयर्स देम विद द प्रीवियस ईयर्स एंड प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स राइट तो सेकंड ओनली आपका करेक्ट है तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका रॉन्ग है तो इसका राइट right आंसर कौन सा हो जाता है का इज द राइट आंसर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट तो अगर इसको और स्टेटमेंट इस को और डीप में आपको पढ़ना है राइट right? तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि मिस आप जो है टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं राइट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टी राइट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 नाइन यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेचली डिक्लेरेशन के बारे में पूछ रहा है सम समटाइम सीन इन द न्यूज राइट बिलचलरी डिक्लेरेशन आपका न्यूज में था इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट right? तो इसका राइट आंसर कौन सा है ये आपका ए के बारे में बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका देखने को मिल रहा था बिलेचलरी डिक्लेरेशन राइट नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसिडर द फॉलोइंग अप्रोचेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी राइट किम से आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं हाउ मेनी ऑफ द एबाउट टेक्निक आर इन द विट्रो टेक्निक्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी राइट राइट right, तो इसमें आपका पूछ रहा है कि कितने टेक्निक्स हैं जो आपका यूज किए जाते हैं इन्वेट्रो टेक्निक्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी राइट right? कि इसमें से कौन कौन से जो है आपका इन्वेट्रो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं किसके लिए आपका जो है ये आपका कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए राइट right? तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि जर्म प्लाज्म बैंक सेकेंड आपका टिशू कल्चर थर्ड आपका क्रायो प्रिजर्वेशन और थर्ड आपका फोर्थ आपका जीएनओ क्लोन्स राइट तो चारों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है कि चारों ही टेक्निक्स आपका यूज किया जाता है कि इसमें आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में राइट तो इस प्रकार से देखते हैं चारों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है राइट तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर एक से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक हमने जो है टेस्ट नंबर एटीन का सालो कर लिया राइट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से लेकर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड तक सालो करेंगे राइट और इसका पी भी आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अगर कोई भी आपका जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में जाकर उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं राइट तो धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद